और अमृतपाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तार अमृतपाल पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल वो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और उससे पूछताछ की जा रही है। अमृतपाल सिंह और पप्पलप्रीत सिंह के साथ साथ उसके 9 साथियों पर एनएसए लगाया गया। तो भगौड़े अमृतपाल को पंजाब से असम के डिब्रूगढ़ लाया गया। असम पहुंचने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया। अब अमृतपाल से आईबी और एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल से जुड़े 9 और आरोपी बंद हैं। अमृतपाल का साथी पप्पलप्रीत भी डिब्रूगढ़ जेल में है। डिब्रूगढ़ जेल में सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक सारे इंतजाम पहले से ही किए गए। अमृतपाल को भी उन्हीं 9 कैदियों की तरह हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। पंजाब पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पहले उसे मोगा से भटिंडा लेकर पहुंची थी और फिर भटिंडा एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया। पंजाब के मोगा से भगौड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन में करीब 10 अधिकारियों की टीम ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त अमृतपाल से किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ। तो पंजाब के मोगा से गिरफ्तार अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार चल रहा था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 36 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अजनाला कांड के बाद से अमृतपाल फरार चल रहा था। हालांकि अमृतपाल के सभी साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसके साथियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। कल शाम पुलिस को जानकारी मिली थी कि अमृतपाल मोगा के रोड़ा गांव में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उसे सुबह गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल भेष बदलकर कई राज्यों में देखा गया था। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही थी। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जाल बिछाया और 36 दिन बाद उसका लुका छिपी का खेल खत्म हो गया। भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने मोगा के रोड़ा गांव में डेरा डाल रखा था। अमृतपाल के गांव के गुरुद्वारे में छिपे होने की खबर मिली थी। वो 18 मार्च से फरार चल रहा था। पंजाब पुलिस का ये ऑपरेशन पूरी रात चला। अमृतपाल पर एनएसए के तहत केस दर्ज है। पंजाब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार पंजाब के कई जिलों और डेरों में दबिश दे रही थी। अतीक हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी का दावा है कि अतीक के शूटर पहले से ही अतीक से मुलाकात कर चुके थे। अतीक हत्या में शामिल शूटर लवलेश चकिया इलाके में अतीक से मिला था और जिसके बाद वो अतीक की गैंग में शामिल होना चाहता था। इसके साथ ही लवलेश अतीक की दहशत देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि वो अतीक की गुंडागर्दी की हनक देखकर हैरान हो गया था और इसी वजह से वो चकिया इलाके में अतीक अहमद से मिला, जहां अतीक अपने दफ्तर में सोफे पर बैठा हुआ था और उसके आसपास उसके गुर्गे बंदूक लिए उसकी सुरक्षा में तैनात थे। यही नहीं, लवलेश ने ये भी दावा किया कि उस वक्त बड़े बड़े कारोबारी और दूसरे लोग अतीक के सामने जमीन पर बिछी दरी पर बैठे थे और अतीक के इस रुतबे को देखकर शूटर लवलेश अतीक गैंग ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उस समय उसकी चाहत पूरी नहीं हो पाई। उधर अतीक अहमद हत्याकांड में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले शूटर पहले चित्रकूट में मिले, फिर लखनऊ पहुंचे और बस से प्रयागराज आए, जहां पहुंचने के बाद तीनों सिविल लाइन्स बस अड्डे पर उतरे, फिर ई रिक्शा से निकल पड़े। इस दौरान तीनों ने कत्ल के प्लान पर बातचीत की। बाद में तीनों रेलवे स्टेशन के पास किराए पर होटल में कमरा लिया था। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास जो अस्पताल में ये रुके थे, वहां से महज 3 से 4 मिनट की दूरी कॉल्विन हॉस्पिटल की थी और इन्होंने कॉल्विन हॉस्पिटल में हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि तीनों शूटर बार बार अपना बयान बदलते दिखे, जिससे पुलिस को उन पर भरोसा नहीं है। अभी तक पुलिस को बस से प्रयागराज जाने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। उत्तराखंड के हरिद्वार में लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करना एक परिवार के सदस्यों को भारी पड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी तीनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हवालात में डाल दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लाइसेंसी बंदूक और 3 कारतूस बरामद किए। दरअसल इन्हीं तीनों भाइयों ने बंदूक से फायरिंग करने की रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश में जुट गई थी। वीडियो में पहले एक लड़के ने लाइसेंसी बंदूक से हवा में फायर किया, उसके बाद दूसरे ने भी हवा में फायरिंग की, जबकि तीसरा बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। इससे पहले पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के कई साथियों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ में अमृतपाल की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। अमृतपाल की पंजाब से लगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तलाश की जा रही थी, लेकिन अमृतपाल भेष बदल कर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल कर रहा था। सबसे पहले अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 18 मार्च को जाल बिछाया था। इस दौरान पुलिस ने उसके कई साथियों को तो गिरफ्तार किया, लेकिन अमृतपाल भागने में कामयाब रहा। तब से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वो भेष बदल बदल कर लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थन की रिहाई के लिए अजनाला थाने पर हमला भी किया था। इस घटना के बाद से वो सुर्खियों में आया था और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। 23 फरवरी को समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर हमला किया था। 23 फरवरी को अमृतपाल के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।
अजनाला हिंसा के बाद से ही पुलिस अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई थी। अमृतपाल के कई साथियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमृतपाल सिंह फरार हो गया, जिसके बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। इससे पहले 20 अप्रैल को जांच एजेंसियों ने अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से पूछताछ की थी। कई घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक था कि किरणदीप से पूछताछ में उन्हें अमृतपाल की लोकेशन को लेकर अहम सबूत मिल सकते हैं। किरणदीप अमृतसर एयरपोर्ट से लंदन भागने की फिराक में थी, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारियों ने उसे रोक लिया, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने उसे कई घंटों की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। हालांकि अमृतपाल की पत्नी किरणदीप पर अभी कोई FIR नहीं है, लेकिन उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत रोका गया। और अमृतपाल की पत्नी किरणदीप से पूछताछ के 3 दिन बाद ही अमृतपाल गिरफ्तार हो गया। हालांकि पूछताछ के बाद किरणदीप को लंदन जाने से रोक दिया गया था। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी, लेकिन किरणदीप पर लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हुआ था और इसी वजह से उसे विदेश जाने से रोका गया। किरणदीप NRI है और उसके पास UK की नागरिकता है, जबकि उसका परिवार मूल रूप से जालंधर के कुलारा गाँव का रहने वाला है। अमृतपाल से उसकी शादी इसी साल 10 फरवरी को हुई थी। बताया गया कि शादी से करीब 1 साल पहले दोनों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। और इसी बीच गुजरात के साबरकांठा में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने वेद संस्कृति ज्ञान गौरव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद और योगी अरविंद का जिक्र करते हुए सनातन धर्म का उत्थान जरूरी बताया। और सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही सनातन धर्म है। मोहन भागवत ने कहा कि मातृभाषा और संस्कृत भाषा सभी को आनी चाहिए। इसी दौरान उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की भी चर्चा की और कहा, यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका और रूस लड़ रहे हैं, लेकिन हम सबको जोड़ेंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा। प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए मकान बना रही है और इसे जल्द ही गरीबों को सौंप दिए जाएंगे, जिसके लिए यहां बन रहे 76 फ्लैट के लिए बेघरों के आवेदन भी आने लगे हैं। दावा है कि सरकारी जमीन पर अतीक अहमद ने कब्जा कर रखा था, जिसे योगी सरकार ने बुलडोजर चलाकर अतीक के चंगुल से छुड़ाया। यहाँ कब्जा था डॉन अतीक अहमद का, इस सरकारी जमीन पर अतीक अहमद ने कब्जा किया हुआ था और उसके बाद योगी सरकार ने ये कब्जा दोबारा प्रशासन के पास इस कब्जे को लेकर आई। अतीक अहमद ने प्रयागराज के ऐसे ही कई इलाकों में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद इन सभी अवैध कब्जों को प्रशासन ने छुड़ा दिया। भगौड़े अमृतपाल सिंह को 36 दिन के बाद गिरफ्त में ले लिया गया है। पंजाब के मोगा से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मोगा में वो गुरुद्वारे में छिपा हुआ था। देखिए, इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उस इलाके की घेराबंदी की। अमृतपाल को गिरफ्तार करने का पुलिस का ऑपरेशन पूरी रात चला। पहले उसे गुरुद्वारे से बाहर निकालने की कोशिश की गई और फिर बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, अमृतपाल को भी गिरफ्तारी के बाद डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कई दिनों से कई जगह पर दबिश लगातार दे रही थी। जगह जगह उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। पंजाब के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में भी पुलिस की टीम ने दबिश दी थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा, आखिरकार अमृतपाल सिंह जो 35 दिनों से फरार चल रहा था, पंजाब पुलिस के साथ साथ तमाम राज्यों की पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन आखिरकार इसे गिरफ्तार किया गया। NSA के तहत गिरफ्तार किया गया है और साथ ही अब असम के डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट किया गया। और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से आज सुबह मोगा से गिरफ्तारी होती है। उसके पास ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ना वो पुलिस से कोई बातचीत करता है, लेकिन उसके बाद सीधे उसे असम लिया जाता है। डिब्रूगढ़ जेल में उसे बंद किया गया है। सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद NSA का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है, रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है, उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। और सीधे ले चलते आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आखिरकार अमृतपाल सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। 35 दिनों से लगातार 6 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। अब उन सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिर अमृतपाल सिंह की मंशा क्या थी, क्या चाहता था वो। जो देखिए, एक जानकारी निकल के सामने आ रही है कि IB की एक टीम जो है वो कल सुबह तक जो है वो डिब्रूगढ़ पहुंच सकती है और वहां पर पाकिस्तान ISI से जो अमृतपाल के लिंक का खुलासा हुआ था, पंजाब पुलिस ने ऑन कैमरा जिस बात को कहा था, उसको लेकर अमृतपाल से पूछताछ की जाएगी। अमृतपाल को डिब्रूगढ़ की जेल में एक अलग सेल में रखा गया है,
सीसीटीवी से उसके ऊपर वॉच की जा रही है और जब उससे पूछताछ की जाएगी पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस के अधिकारियों की तो उसकी वीडियोग्राफी जो है वो बाकायदा की जाएगी। इसके पहले जो उसके बाकी नौ एसोसिएट थे उन्हें एक ही बैरक और एक ही सेल में रखा गया था, लेकिन अमृतपाल को सुरक्षा के कारणों से अलग सेल और अलग बैरक जो है उसमें रखा गया और सीसीटीवी से पूरी तरह से उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी जो पंजाब की टीम की जो टीमें हैं वो लगातार डिब्रूगढ़ जेल के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से लगातार दबिश भी दी जा रही थी और अब लगातार जो है पूछताछ भी अमृतपाल से होगी, लेकिन कहां पर छिपा था अमृतपाल, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से उसे ट्रेस किया गया, सुबह क्या पुलिस को इत्तला दी गई सुबह कि अमृतपाल यहां से इस गुरुद्वारे में है, यहां पर गिरफ्तारी दे सकता है? जी देखिए, जो पंजाब पुलिस ने एक ऑपरेशन के तहत मोगा से अमृतपाल की गिरफ्तारी की है, जो जानकारी मिल रही है कि जिस गांव में अमृतपाल रुका हुआ था उस गांव में उसके छुपे होने के इंटेलिजेंस के इनपुट जो हैं वो अमृतसर की जो रूरल पुलिस है उसको मिले थे। वहां से डीएसपी और तमाम जो अधिकारियों की टीम है उसने रात में पूरे तरीके से कर्डन अप करा उस गाँव को और सादी वर्दी में हर एक घर के बाहर जो है वो पुलिस जो है वहाँ पे तैनात थी। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अमृतपाल अब सुबह के वक्त में जो है वो गुरुद्वारे के अंदर मौजूद है। कुछ सादी वर्दी में पुलिसकर्मी गुरुद्वारे के अंदर गए, जब उन्होंने तस्दीक कर ली कि ये अमृतपाल नाम का ही शख्स है गुरुद्वारे के अंदर मौजूद है, हालांकि क्योंकि धार्मिक स्थल था इसलिए पुलिस ने वह वर्दी अंदर जाने की कोशिश नहीं की और एक धार्मिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल आनंद, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पंजाब पुलिस के सामने यही थी कि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आनंद आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन देखिए अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा के रोड़ा गांव से गिरफ्तार किया है। बिल्कुल आपको बता दें कि किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, कहां से गिरफ्तार हुआ है अमृतपाल, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिकली। देखिए पंजाब के मोगा से ये गिरफ्तारी हुई है और इतनी अहम गिरफ्तारी क्योंकि जिस तरीके से जिस गुरुद्वारे में इसे गिरफ्तार किया गया है, माना यह जा रहा है कि भिंडरावाला की भी कहीं ना कहीं जिस सोच से वो आगे बढ़ता था यहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई है, ये जानकारी मिल पाई है और सुबह लगभग 7:15 बजे ये गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए बड़ी जानकारी हमने आपको मैप के जरिए समझाया कि पंजाब के किस जगह से वो गिरफ्तार हुआ, यानी कि मोगा। एक और बड़ी खबर आपको अमृतपाल से जुड़ी हुई बता दें, अमृतपाल को लेकर अब पंजाब पुलिस डिब्रूगढ़ जेल पहुंच चुकी है। बिल्कुल आपको बता दें जेल में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, जेल में 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो अमृतपाल की हर मूवमेंट पर नजर रखेंगे। डिब्रूगढ़ जेल के अंदर सीआरपीएफ, असम पुलिस और जेल पुलिस मौजूद है। देखिए ये अंदर की बात थी, लेकिन अगर जेल के बाहर की बात करें तो जेल के बाहरी हिस्से में भी असम के ब्लैक पैंथर कमांडोज को तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति को आराम से उससे निपटा जा सके। और आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अब डिब्रूगढ़ के जेल में अमृतपाल बंद है, उसके 9 साथी भी वहां पर बंद है और लगातार निगरानी की जा रही है, हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, लेकिन कौन कौन से वो अहम सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश तमाम खुफिया एजेंसियां पुलिस विभाग करने की कोशिश करेगा? देखिए तमाम एजेंसियों का सीधा सवाल अब यह है कि किस एजेंडे के तहत अमृतपाल जो दुबई में पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था उसे भारत एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान आईएसआई ने भेजा, इसको लेकर अमृतपाल से सवाल किए जाएंगे। उसकी जो पत्नी है जिसके बब्बर खालसा से लिंक थे उसको लेकर सवाल किए जाएंगे, जो उसका फाइनेंसर था कलसी जिसके सीधे पाकिस्तान के जो पूर्व आर्मी चीफ हैं वाजवा उनके बेटे की जो कंपनी थी जिसका नाम साथ था जिस शख्स का जो बेटा है उसको लेकर सवाल किए जाएंगे कि वो कैसे फाइनेंस करता था। वीओआईपी कॉल के जरिए पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई के संपर्क में अमृतपाल और कलसी थे उसको लेके सवाल किए जाएंगे। इसके अलावा पप्पल प्रीत को लेके सवाल किए जाएंगे, किस तरह से उन्होंने फरारी काटी है, किन किन लोगों ने उन्हें शरण दिए, किस तरह से फाइनेंशियल मदद की है, ये सवालों की एक लंबी फेरिस्त है जो पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने तैयार की है अब अमृतपाल से पूछने के लिए। बिल्कुल आनंद, आईबी की तरफ से पूछताछ की जाएगी, एनआईए की तरफ से पूछताछ की जाएगी, सवालों की फेरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद एक ट्वीट करके पंजाब पुलिस की तारीफ की है और पंजाब की भगवंत मान सरकार को शुक्रिया कहा। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि पंजाब के अमन चैन और सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं और इसके लिए कठोर निर्णय लेने को भी हम तैयार हैं। भगवंत मान ने इस मिशन को परिपक्वता और साहस से पूरा किया, बिना किसी रक्तपात और गोली चलाए पंजाब पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। इस दौरान शांति बनाए रखने की और पंजाब सरकार का साथ देने के लिए जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बकायदा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंजाब के अमन चैन और सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं, इसके लिए
कठोर निर्णय लेने को भी हम तैयार हैं। सीएम भगवंत मान साहब ने इस मिशन को परिपक्वता और साहस से पूरा किया, बिना किसी रक्तपात और गोली चलाए पंजाब पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और इस दौरान शांति बनाए रखने और पंजाब सरकार का साथ देने के लिए जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम अरविंद केजरीवाल